बमोरी के बीलखेड़ा मतदान क्रमांक 67 पर हिंसा, बीजेपी समर्थक भिड़े, बीजेपी बूथ एजेंट को पीटकर भगाया। वहीं बीजेपी समर्थक नन्ना सरपंच जो कि कुसेपुर पंचायत के हैं, उनके पहुंचने से ज्यादा विवाद हुआ। वीडियो बना ले मैंने। विवाद का कारण मतदान करने आए लोगों को अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के प्रति दबाव बनाया जा रहा था। उक्त पोलिंग बूथ पर मात्र एक होमगार्ड का जवान तैनात था। विवाद के बाद वहां पहुंचा प्रशासन, साथ ही पुलिस ने गांव को छावनी में तब्दील किया। विवाद में एक होमगार्ड का जवान भी घायल हुआ। कुछ लोगों ने बूथ के अंदर घुसकर मचाया उत्पात। जब इस बात की सूचना मीडिया को लगी तो मीडिया मौके पर पहुंचा। मौके पर मौजूद फतेहगढ़ थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ पहले से ही मौजूद थे, लेकिन घटनाक्रम के बारे में पूछने पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। मैं पर्ची लेके खड़ा था हूँ ऐसा, वो लक्ष्मी नारायण नाम क्या था उसका, राम नारायण अंदर घुस रहा था उसको, बीजेपी के एजेंट। हाँ, अच्छा क्या हुआ था? वो ऐसे एक तो पहले लड़ाई था उससे, अमरा से सहने आदमी से, वहाँ ने बोला कि इसे टल्ला दे दे, उसने हाथ के दिए, मैं अभी पुलिस बुलवा दूंगा, मैं ऐसे बुलवा दूंगा। कोई ने बोला पुलिस बुलवा, वो नाम नारायण ने बोला। तो मैंने कहा यार भाई साहब, मैंने कहा यार, वो कह रहे थे वोट डालने की, कैसे करना यार, दो ऐसे फूल में दे देना यार, ऐसे मुकर, वो ईजान आदमी थे, सैन आदमी, वो कचु ने जान रहे थे बटन दबाने में, तो वो ऐसे बोल रहे, वो बोल रहे थे मैं पंजा में दूंगा, वो कह रहा हो यार कांग्रेस इसमें दे दो के फूल में। तो मैंने कहा यार, मैंने लक्ष्मी नारायण, मैंने कहा यार मिलान में से बाहर निकल गया, तो मैंने धक्का दे के उसे, मैंने कहा तू जहाँ से चल रहा समझाना था। पुलिस पोलिंग बूथ पर नहीं थी? नहीं थी, एक भी बंदा नहीं था। एक बंदा था अंदर था। मेरे से लड़ाई नहीं हो रही थी, वो नाम नारायण नाम है, उससे मेरी लड़ाई नहीं हो रही थी, मैं समझा रहा था उसे तू चल रहा। एक अमरा था उससे लड़ाई थी, मैं तो समझा रहा था उससे, मैंने गाली भी नहीं दी न, उससे मैंने कछु भी नहीं मारा, उसके थपड़ा मरवा कछु, मैंने कहा भाई साहब तू जहाँ से चल जा, भाई साहब करके बोल रहा था उससे मैं। अब तो उसने नन्ना सरपंच के पास फ़ोन लगा दिया, तो नन्ना सरपंच आया, उन्होंने यह कही कि कोई तेरा हाथ लगा दे, जैसे मैं ऐसे कर दूंगा कि उसको, तो नन्ना सरपंच ने मेरी ऐसी कॉलर पकड़ ली, हाथ पकड़ लिया, मेरे से लाइन में से बाहर निकाल लिया। जब भी मैं नहीं बोला, पूरे गांव वाला था हमारा, 8-10 वाला थे, कन्हैया, तो उससे बात भी नहीं करी मैं, तो ऐसे ही बगल हो गया। और रकोंडे के बाद में लड़ाई में, तो मैंने कहा यार मैं गरीब आदमी, मैं पीछे भाग गया भी, पुलिस मुलित आए दिन जब मैं मौका में नहीं था। ग्राउंड रिपोर्टर जालम गिरा।